Dear parents and children, welcome to RED online teaching class. And now, today our topic is taking care of babies, block 4. Okay, student? And students, be ready with your resources, content book, notebook and workbook. And our agenda is questioning, activity, discussion, worksheet and home. Okay, I hope student, you are doing your work neat and clean in your notebook. Very good. Now, before starting the chapter, what will you do? Yes, I will answer question. Okay, now student, tell me, how do your parents take care of you? आपके parents आपकी कैसे देखभाल करते हैं? Yes, our parents do everything to make us life comfortably. वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करते हैं. They give us food to eat. खाना भी देते हैं हमें खाने के लिए. They give us clothes to wear. Very good. They give a house to live. वो हमें घर भी देते हैं रहने के लिए. Okay student, how do bird take care of their babies? Bird कैसे take care करते हैं? Yes, similarly bird take care of their बेबीज. जो बर्ड्स हैं वो भी अपने बेबीज की टेक केयर करते हैं. नाउ आवर टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ बेबीज. ओके, एंड एम टू थिंक ऑफ वे इन विच बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज. आज हम सीखेंगे जो बर्ड्स हैं वो अपने बेबी की कैसे देखभाल करते हैं. वी हैव डन एनिमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. हम ये कर चुके हैं कि जो एनिमल्स थे वो कैसे देखभाल करते थे. बट नाउ टुडे वी विल लर्न कि हाउ बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज. जो बर्ड्स हैं वो भी अपने बच्चे की कैसे अपने बेबी की कैसे देखभाल करते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट प्लीज, दिस इज एक्टिविटी टाइम एंड दिस इज अ स्टेप 1. ओपन एस 4. You will open page number 27 of your workbook. आप अपने workbook का page number 27 open करेंगे. Observe the pictures given in the question 1. Workbook में जो आपको question number 1 में pictures होंगी, observe में उसको अच्छे से देखेंगे. Next step, discuss what the birds are doing in the pictures. आप discuss करेंगे, सोचेंगे कि इस picture में जो bird है, वो क्या कर रहा है. And last, write about it question 1 of S4. और जो आपका question number 1 होगा, you will complete in your workbook. अपना question number 1 अपनी workbook में complete करें. Okay student, look. Now student, this is your S4, taking care of babies. Yes, this is your question number 1. Look at the pictures and write what the birds are doing. आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है और ये देखना है कि बर्ड्स क्या कर रहा है इस पिक्चर में. ओके पेरेंट्स, प्लीज पॉज अ वीडियो फॉर दिस एक्टिविटी. यस स्टूडेंट, आई होप यू हैव कंप्लीट योर एक्टिविटी. यस, एंड आपने स्टूडेंट्स अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी कि इस पिक्चर्स में जो बर्ड है वो क्या कर रहा है. नाउ आफ्टर एक्टिविटी वी विल डिस्कस द एक्टिविटी. ओके, now tell me, what do you observe in the pictures? आपने क्या देखा? Yes, the hen is sitting on the eggs to keep them warm. Yes, जो hen है वो eggs पे बैठी हुई है, because वो egg को क्या कर रही है? Warm कर रही है. And I have told to you, मैंने आपको ये बताया भी था, when the egg get warm, जब egg गर्म हो जाता है, they hatch and baby bird come out of the egg. जब एग गर्म हो जाता है तो क्या होता है? हैच होता है, ब्रेक होता है, उसमें से क्या निकलता है? बेबी निकलता है. यस, सेकंड पिक्चर, अ बर्ड इज वीविंग अ नेस्ट. हम सेकंड पिक्चर में हमने देखा है जो बर्ड है, वीविंग मींस वो क्या कर रहा है? बर्ड नेस्ट को बना रहा है. अ बर्ड इज फीडिंग इट बेबी विद फूड. जो बर्ड है वो क्या कर रहा है? फीडिंग मतलब खाना दे रहा है अपने बेबी को. लास्ट, अ बर्ड इज पुशिंग हर बेबी सो
दैट इट लर्न्स टू फ्लाई। जो बर्ड है वो अपने बेबी को पुश कर रहा है कि वो सीख सके, उड़ना सीख सके। सेम हमारे पेरेंट्स भी हमारी टेक केयर करते हैं, सेम एज इट इज बर्ड्स भी देखो अपने बेबी को कितना कुछ सिखाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि आप अपना काम ऐसे करो, हमें खाना देते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, सेम बर्ड्स भी वही सेम थिंग करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं। नाउ आफ्टर दिस एक्टिविटी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। जो बर्ड्स हैं वो अपने बेबीज की कैसे टेक केयर करते हैं? यस, टेक केयर ऑफ बेबीज, दे बिल्ड अ नेस्ट, उनके लिए नेस्ट बनाते हैं, दे लेज एंड हैच एग्स, ओके, दे फीड देयर बेबीज, वो अपने बेबीज को फीड्स देते हैं, खाना देते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। एनिमीज मतलब यस, अपने दुश्मनों से भी अपने बेबीज को वो बचाते हैं। वेरी गुड। एंड दे ऑल्सो टेल हाउ टू फ्लाई एंड दे टेल अबाउट रिसर्च ऑफ फूड। वो उनको बताते हैं कि खाना कैसे ढूंढना चाहिए और उनको वो क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ना भी सिखाते हैं। हमने अपने इन एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया था कि बर्ड कैसे पुश कर रहा था अपने बेबी को, हाउ टू लर्न टू फ्लाई, फ्लाई कि आपको कैसे, मतलब अपने बेबी को कैसे उड़ना सिखा रहा था उसको पुश करके। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स से कैसे डिफरेंट होते हैं? यस, बर्ड नीड टू हैच एग टू देयर बेबीज, बट अनदर एनिमल्स डू नॉट नीड टू। बर्ड्स को जरूरत होती है हैच एग, मतलब वो एग को गर्मी देते हैं और एग को गर्मी देने के बाद क्या होता है, एग ब्रेक होता है, उसमें से बेबी आते हैं, बट अनदर एनिमल्स को इसकी जरूरत नहीं होती। बर्ड नीड टू बिल्ड अ नेस्ट, बर्ड्स को जरूरत होती है नेस्ट बनाने की, बट अनदर एनिमल डू नॉट नीड। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट वगैरह और शेल्टर के लिए कुछ नहीं बनाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड अ डॉग टेक केयर ऑफ इट्स बेबीज, डज इट कीप देम ऑन लैंड और इन वाटर। जो डक है वो अपने बेबी की कैसे केयर करती है, क्या वो उसको पानी में रखती है या उसको लैंड पर रखती है? यस यस यस, डक लेज एग इन अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। यस, इट टेक्स डकलिंग इन टू वाटर, वो उसको कहाँ पे लेकर जाती है, पानी में लेकर जाती है। द मदर डक डू नॉट टीच देयर डकलिंग टू स्विम इन द वाटर। The duckling learn by themselves. मतलब जो डक है वो अपने बेबी को नहीं सिखाती कि आपको कैसे, उसको कैसे तैरना है और उसको फूड कैसे खाना है, वो खुद सीखता है। लेकिन जो डक है वो नजर रखती है अपने बेबी पे कि कोई एनिमल उसको कुछ करे ना, कोई दुश्मन उसको कुछ करे ना। ओके, नाउ दिस इज अ रीडिंग टाइम, ओपन योर कंटेंट बुक एंड ओपन पेज नंबर 23। बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। अब हम पढ़ेंगे कि जो बर्ड्स हैं वो अपने बेबी की कैसे देखभाल करती हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। बर्ड्स अपने जो एग्स होते हैं वो किस में, कहाँ पे रखती है, नेस्ट में रखती है। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। वार्म मीन्स गर्म करती है एग्स को। व्हेन द बेबीज कम आउट दे फीड देयर बेबीज। जब बेबीज आता है एग में से तो वो क्या करती है, उसको खाना देती है। दे टीच देम हाउ टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड। वो उसको बताती है कैसे उसे उड़ना है और वो उसको अपना खाना देखना है। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। और वो उसकी देखभाल करते हैं, बर्ड देखभाल करते हैं अपने बेबीज की और उनको एनिमीज मीन्स अपने दुश्मन, जो भी कोई दुश्मन होते हैं उससे बचाते हैं। Now after reading, we will do worksheet. Open your worksheet, page number 27. Now student, we have done question number 1. Now do question number 2. If you had to take care of chick, what would you do? अगर आपको किसी chick की, hen का जो baby होता है, उसको हम chick बोलते हैं। अगर आपको उसकी देखभाल करनी है,
तो आप कैसे करोगे? यस, उसको प्रॉपर फूड दोगे, पानी दोगे, वेरी गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पेंगुइन्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज? जो पेंगुइन्स हैं वो अपने बेबीज की कैसे देखभाल करते हैं? Now this is a summarization time topic we have done today, taking care of babies and aim to think of ways in which birds take care of their babies. आज हमने सीखा कि birds अपने babies की कैसे देखभाल करते हैं. For example, जैसे birds बताते हैं अपने babies को how to fly, मतलब उन्हें कैसे उड़ना चाहिए ये सिखाते हैं, फीड देते हैं, यस, प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्ट मींस किससे रक्षा करते हैं? एनिमीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज मींस दुश्मन, दुश्मनों से रक्षा करते हैं. एंड बिल्ड नेस्ट, उनके लिए क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं. मींस एनिमल्स भी हैं होते हैं, वो भी टेक केयर करते हैं, और बर्ड्स भी अपने बेबीज की कैसे टेक केयर करते हैं. Today we learn this thing. Okay, now after this, I'm telling to your homework. Homework time. Do practice questions 7 and 8 of block 4 in notebook. And student, you will do your neat and clean work in your notebook. And tomorrow resources, notebook, content book and workbook. After homework time, I'm telling to you amazing fact. Yes, did you know? Male peacocks begin to grow their colorful tails only after they are about 3 years old. जो मेल पिकॉक होता है, जब वो 3 साल का हो जाता है, तो उसके कलरफुल रंग बिरंगे क्या आते हैं, टेल्स आ जाती है. I hope student you have understood this topic. Thank you and have a nice day.